गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिस बुक चैप्टर सेकेंड ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हम कौन से पॉइंट को डिस्कस करते हैं? प्रैक्टिस बुक में चैप्टर सेकेंड को डिस्कस कर रहे थे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो हमने क्या डिस्कस किया था उसमें? ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में किया था प्रीवियस में, आपके जो प्रीवियस हमारी क्लास लगी थी उसके अंदर। और हमने ये पूछा था कि ग्लोब का जो और मैप के बारे में क्या हेल्पफुल है हमारे लिए, क्या यूज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 10 से स्टार्ट होता है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। राइट वन डिफिकल्टी रमेश विल फेस व्हाइल यूजिंग ए ग्लोब एंड ए वर्ड मैप। देखिए, हमें एक परेशानी बतानी है रमेश की, लिखनी है जो ग्लोब और वर्ड मैप को जब यूज़ करता है, जब उस समय हो सकती है। तो ए ग्लोब, तो ग्लोब में क्या होती है? रमेश विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कैरी ए ग्लोब एवरीवेयर। रमेश को क्या प्रॉब्लम हुई इसमें कि वो ग्लोब को प्रत्येक जगह नहीं ले जा सकता था, कहीं नहीं ले जा सकते। आपको पता है ना, ग्लोब तो इतना हैवी होता है और उसको हम किसी बैग में कैरी करके भी नहीं ले जा सकते। तो वाट से प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हम सब के साथ है। तो यू विल आल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू कैरी ए ग्लोब एवरीवेयर, आपको भी यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ग्लोब के साथ में प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, उसको हम कैरी नहीं कर सकते कहीं पे भी। ए वर्ड मैप, रमेश विल नॉट बी एबल टू नो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ फ्रॉम द वर्ड मैप। अब देखिए, ये भी आपके भी कि आप भी एक जो है ये नहीं जान पाते एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। मैप में हम कैसे जान पाएंगे? आपको पता ना, मैप तो किसी भी रूप में हो सकता है वो अपना, जबकि ग्लोब तो उसका क्या होता है, मॉडल होता है। लेकिन वर्ड मैप जो होता है उसमें हम एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ को हम फाइंड नहीं कर पाते फ्रॉम द वर्ड मैप। तो क्लियर, तो याद रहेगा। तो क्या था वर्ड मैप में प्रॉब्लम? रमेश विल नॉट बी एबल टू नो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ फ्रॉम द वर्ड मैप। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज माई टर्न फॉर। ये पेरेंट गाइडेड एक्टिविटी है। लुक एट द फैमिली एल्बम। अब देखिए, आप फैमिली में एल्बम होता है आप सबके बारे में, तो उसको देखिए। सेलेक्ट वन पिक्चर ऑफ एनी वन वाटर बॉडी डेट यू और एनी ऑफ फोर फैमिली मेम्बर्स हैड विजिटेड। देखिए, आप कोई सी भी अपने एक पिक्चर आप लेंगे जिसमें वाटर बॉडी से रिलेटेड होगा, जिसमें आप या कोई भी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हों जो गए हों। पेस्ट इट ऑन एन ए फोर साइज शीट एंड राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ दैट वाटर बॉडी। तो आपको क्या करना है, कोई भी उसकी तीन विशेषताएँ आपको उस वाटर बॉडी के बारे में लिखनी है। Also write two ways in which that water body is important। और आपको ये दो राज तरीके भी बताने हैं कि वो water body महत्वपूर्ण है, तो क्यों है, किस वजह से है, तो ये दो तरीके बताने। Paste it on the bulletin board of your class। और फिर उसको आप bulletin board पे भी paste कर सकते हैं। Okay? तो my turn five। अब देखिए, five में कौन सी exercise है? Water bodies and rims of the earth। अब हम वाटर बॉडीज और रिम्स ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं, इसमें वाटर बॉडीज की आकृतियों के बारे में और पृथ्वी के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज एंड राइट वन डिफरेंसेस बिटवीन देम। अब देखिए, हमें क्या करना है, एक वाटर बॉडीज के जो दिए गए नीचे उनके बारे में लिखना है और उनमें अलग बताना है। तो पहला कौन सा पिक्चर दिखाई दे रही है? लेक की दिखाई दे रही। कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? लेक। एंड सेकेंड पिक्चर किसकी है? बे की है, यानी खाड़ी की है। तो ए लेक एंड ए बे। ओके, एंड डिफरेंसेस क्या है? ए लेक इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, वेयरस ए बे इज पार्शली सराउंडेड बाय लैंड ऑन द थ्री साइड्स। एक लेक जो होती है वो सराउंडेड होती है जमीन से, भूमि से, ऑल साइड्स सभी तरफ से, जबकि खाड़ी क्या होती है? पार्शल सराउंडेड बाई लैंड ऑन थ्री साइड, लेकिन वो तो क्या होती है, अपने तीन तरफ से ही घिरी हुई होती है। इट हैज़ ए वाइड माउथ, ये किसका मुंह भी जो होता है चौड़ा होता है, डेट ओपन्स इनटू ए लेक, जो कहाँ पे खुलता है? लेक में, सी में एंड ओशन में खुलता है। क्लियर, तो ये डिफरेंसेस होते हैं इनके बारे में, लेक और बे के बारे में। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर शोइंग द फोर रिम्स ऑफ द अर्थ। While the names of the realms marked as A, B, C, D in the chart given below, also write one features of each realm. अब देखिए, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, उसमें क्या दिया गया है? उसमें A, B, C, D नाम से ब्लॉक डाला गया, A, B, C, D। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि A किसका है, लिथोस्फेयर का ही है ना,
तो हम इसको डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन हम पिक्चर में देख रहे हैं बी में किसका बनाया गया है, बी किसका दिखाया है, बायोस्फेयर का है। और सी, सी तो आपको पहचान लिया होगा, सी हमारे किसका है, हाइड्रोस्फेयर का है। और डी, डी तो हमारा एटमोसफियर है। ओके, तो अब इसी के फीचर्स के बारे में हम लिखते हैं और जानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एक इसमें है लिथोस्फेयर। क्या है ये? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब स्थल मंडल। तो इसके फीचर्स क्या है? इट इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड रॉक्स। ये किससे बना होता है? मिट्टी से और सॉलिड रॉक से बना होता है। सेकेंड हमारा बी है, बायोस्फेयर है। जो फीचर्स है, इट इज द लाइफ गिविंग रियल्म ऑफ द अर्थ। ये क्या है हमारे, इसमें क्या विशेषता है? ये हमारे मतलब जो पृथ्वी पे का क्षेत्र है ये, और ये हमें क्या देता है? जीवन देता है। जीव मंडल है कि नहीं है ये? तो इट इज द लाइफ गिविंग रियल्म ऑफ द अर्थ। क्लियर। नेक्स्ट हाइड्रोस्फेयर, सी नंबर का हाइड्रोस्फेयर है, जो कि आपको जापानी में दिखाया गया है, जलमंडल है। तो ऑल वाटर बॉडीज ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड वाटर टुगेदर मेक अप द हाइड्रोस्फेयर। सभी जो वाटर के क्षेत्र हैं, आकृतियाँ, ग्लेशियर हैं और अंडरग्राउंड वाटर है, ये सभी मिलके हमारे हाइड्रोस्फेयर का निर्माण करते हैं। डी एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इट हैज गैसेस इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये क्या होती है? एक गैसेस का समूह होता है जो कि हमारे सभी जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए, अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है हमारे, तो ये हमारे रिल्म्स ऑफ द अर्थ है, हमारे पृथ्वी की क्षेत्र है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है रीड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर फ्रॉम योर कोर्स बुक। राइट वन डिफिकल्टी डैट द लिविंग थिंग्स विल फेस इफ दिस रिल्म्स आर पोल्यूटेड। देखिए हमने क्या डिस्कस किया, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल को डिस्कस किया, वायुमंडल को भी किया, लिथोस्फेयर को, स्थलमंडल को भी। अब ये बताइए, अगर हमारे पास में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, डिफ़िकल्टी हो जाएगी, अगर हम इन रिल्म्स को पोल्यूटेड कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आप सब जानते हो हाइड्रोस्फेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अरे पानी चाहिए हमें, अगर हम पानी नहीं होगा और वो पोल्यूट हो जाएगा तो कैसे हम जी पाएंगे? हम तो, हमारे पर तो मैनी डिजीज हो जाएगी। तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज सच एज मलेरिया और टाइफाइड एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इन ह्यूमंस। देखो हाइड्रोस्फीयर जब हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, जो किससे पैदा होगी? वाटर से पैदा होगी, जैसे मलेरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, और यहाँ तक कि जीवन भी जो हो जाएगा वो भयंकर बीमारी से भयभीत करने वाले डिजीज से हो जाएगा मानव के लिए। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर, एयर पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स। ब्रीदिंग पोल्यूटेड एयर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग डिजीज सच एज अस्थमा एंड लंग कैंसर। देखिए अगर हवा प्रदूषित हो जाएगी तो वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए और अदर जो है लिविंग बीइंग्स उनके लिए भी हार्मफुल हो जाएगी। जब हम पोल्यूटेड जो होगी वो ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे हवा में, तो वो किसको बढ़ाएगी? वो हमारे लंग डिजीज को डेवलप करेगी, जैसे अस्थमा हो जाएगी या लंग कैंसर भी हो सकता है। तो देखिए आपने समझा कि कितना है कि अगर हम अपने हाइड्रोस्फीयर को या एटमॉस्फेयर को, इनको हम पोल्यूट कर देंगे तो वो हमारे लिए कितने हार्मफुल होंगे। अब नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। अब देखो आपने सबने पढ़ा कि लिथोस्फीयर किससे रिलेटेड होता है, हमारे होता है कि जो लिथोस्फीयर है वो हमारे सॉइल एंड सॉलिड रॉक से होता है ना। तो अगर लिथोस्फेयर को हमने डैमेज कर दिया, पोल्यूट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा और एंड पोल्यूशन भी हो जाएगा, है ना। मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, इरोजन कटाव हो जाएगा और प्रदूषण फैल जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेल्फ चेक। आओ हम चेक करते हैं आपको कि हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया, उसको आपने कितना समझा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ डिड ह्यूमंस फाइंड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप।
आपने ये पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया कि नहीं किया कि कैसे ह्यूमंस जो है वो फाइंड करता है कि पृथ्वी स्फेरिकल है शेप में, ये कैसे फाइंड किया? तो यस आई अंडरस्टैंड, यू डोंट से आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज वी कंप्लीटली एक्सप्लेन इट, क्योंकि हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपने देखा पढ़ा इसको। तो हाउ डिड ह्यूमंस फाइंड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप? तो ये है कि हमने ये इसको कैसे किया, तो यस यू अंडरस्टैंड। तो आप इसमें क्या होगा, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पॉइंट्स ही हैं आपके, तो यस आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड मार्क कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन ए वर्ल्ड मैप एंड राइट सम ऑफ देयर फीचर्स। हमने क्या किया, पहचाना और मार्क किया कॉन्टिनेंट्स और महासागरों को वर्ल्ड मैप में और उनके कुछ फीचर्स के बारे में लिखा। तो यस हमने लिखा कि नहीं लिखा, अभी आपने सबको आपको बता चुकी है, तो यस आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है राइट डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन ए ग्लोब एंड ए मैप। यस ये पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या भिन्नता है, क्या समानता है ग्लोब और मैप के अंदर। राइट बेनिफिट्स एंड डिफिकल्टीज इन यूजिंग ग्लोब्स एंड मैप्स, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि क्या फ़ायदे हैं, क्या कठिनाई है हम जब मैप्स का और ग्लोब्स का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिफाई सम ऑफ द वाटर बॉडीज राइट एंड कंपेयर देयर मैन फीचर। हमें कुछ वाटर बॉडीज को पहचाना और लिखा भी और तुलना भी की उनकी मुख्य विशेषताओं के साथ में। यस वी रीड इट, इन पॉइंट्स को वी हैव डिस्कस्ड, हम कर चुके हैं डिस्कस। आइडेंटिफाई द रिल्म्स ऑफ द अर्थ राइट फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ईच रिल्म। यस हमने जो पृथ्वी के क्षेत्र हैं उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में, इन सबको प्रत्येक को पढ़ा हमने। ओके तो ये सब आपने सीखा, तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये कहना है यस आई अंडरस्टैंड। ओके तो आपने क्या है ये हमने सबको रीड किया। तो ये आज हमारी जो है आपका प्रैक्टिस बुक का है उसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। हम कल अब जब क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करेंगे, तो कोर्स बुक का रहेगा वो, पहले हम रीड करेंगे फिर हम आप इसकी प्रैक्टिस बुक लेंगे। ओके और स्टूडेंट्स आपको ये प्रैक्टिस बुक में ही करना है ये अपना वर्क। ओके एंड थैंक यू।